हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मेकओवर करने वाले हैं अपनी इस छोटी सी बालकनी का। तो सबसे पहले मेरी ये बालकनी दिखती थी ऐसी, उसके बाद मैंने एक छोटा सा मेकओवर इसमें किया था और उसके लिए बनाया था मैंने पीवीसी पाइप का एक स्टैंड, गमले रखने का स्टैंड। और वो वीडियो मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है। वो वीडियो मेरा बहुत ही ज़्यादा सब लोगों के द्वारा पसंद किया गया है और 1 लाख से ज़्यादा उसमें व्यू हैं। ये देखिए, बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही अच्छा। तो अब हमने बना लिया है ये आयरन का स्टैंड ऊपर, सारे के सारे जो नीचे के गमले थे ना वो ऊपर शिफ्ट हमने कर दिए, जिससे फ्लोर स्पेस हो जाएगा बिल्कुल खाली सीटिंग के लिए। तो ये उन लोगों के लिए भी है, बहुत सारे मेरे उस वीडियो में कमेंट्स आए थे कि क्या वो स्टैंड मतलब पक्का है, वो चल रहा है, वो मुड़ा तो नहीं है। तो जी हाँ, वो बिल्कुल अभी तक मैं लगभग 9-10 महीने से उसे यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा चल रहा है, बिल्कुल भी मुड़ा नहीं है। और यहाँ से मैं उसको सिर्फ इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे करनी है सीटिंग अरेंजमेंट। तो बालकनी को कर देंगे बिल्कुल साफ़, क्योंकि हमारे घर में स्टोर रूम नहीं है। तो ये बिल्कुल ना अभी तक ये बालकनी स्टोर रूम की तरह काम कर रही थी, कुछ मिट्टी, कुछ ये कूड़ा, ये एग कार्टन्स आप देख रहे हैं कि मैंने इतने सारे क्यों रखे हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं। एग कार्टन से मैं बहुत सारे DIYs अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, बहुत ही ईजी और अच्छे DIY हैं। आप जाके चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी और मेरे चैनल पर भी चेक कर सकते हैं। तो बालकनी को कर दूँगी मैं पूरी तरीके से साफ़। और ये देखिए मेरे बेटे को, वैसे वो अगर मेरी हेल्प ना भी करे लेकिन जब मैं वीडियो शूट करने बैठती हूँ ना तो वो ज़रूर कैमरे के सामने आने के लिए मेरे साथ बहुत काम करने लगता है, हर वीडियो में मेरे साथ आता है। बट चलिए, इसमें उसने मेरी बड़ी हेल्प की है बालकनी साफ़ करने में। और ये हो गई है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की बट हाँ जितनी हो सकती थी उतनी बालकनी साफ कर दी है मैंने। अब बिछाएंगे हम इसके ऊपर ग्रास मैट, ये मैंने लोकल वेंडर से ख़रीदी है, 2000 रुपये की मुझको पड़ी है, 5x6 की है। ये देखिए इसके पीछे ये छोटे छोटे से छेद होते हैं ताकि बारिश भी आए या इसके ऊपर पानी गिरे ना तो इन छेद से वो नीचे निकल जाए। ये प्लास्टिक की होती है तो इसके सड़ने गलने का ऐसा कोई नहीं है, ये बहुत लंबे टाइम तक चल जाती है, मतलब वर्थ फॉर मनी है। बहुत ही इजीली ये कट भी जाती है, कटर से आप चाहे इसे काटें या कैंची से काटें, ये सीधी सीधी लाइंस इसमें बनी होती है ना तो सीधा सीधा आप बिल्कुल इसको इजीली कटर से कट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी बालकनी ना मतलब एकदम से रोशन, एकदम से अच्छी लगने लगती है ना, सिर्फ अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक मैट ही बिछाई है। तो अब बारी है ग्रिल्स की, ग्रिल को पहले कर देंगे साफ, अब मैं करूँगी उनको पेंट, क्योंकि पहले है ग्रिल का कलर ब्लैक और मुझे अब करना है उसको वाइट। तो पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फोम के पीस का, फोम का पीस इसलिए क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेता है पेंट को और पेंट नीचे टपकता नहीं है। मुझसे एक गलती हुई थी ना कि मैंने मैट एक्साइटमेंट में पहले ही बिछा ली, जिससे कि उससे टपकने का खतरा बहुत था कि उसके ऊपर पेंट ना गिर जाए, तो इसलिए मैं फोम से पेंट कर रही हूँ। और ये देखिए, ये एक कोट करने के बाद लग रहा है ना अच्छा। ये वाइट पेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि उससे एकदम से स्पेस ना बड़ा लगने लगता है। और ये साइड के लिए ये मैंने हैंगिंग प्लांटर्स जो लिए थे, ये बहुत लग रहे, ये बहुत क्यूट हैं लेकिन ये क्वालिटी वाइज बहुत ही बेकार थे और लगभग मेरे को 40 या 45 रुपए का एक पड़ा था। तो इसके लिए मैंने निकाला है एक और जुगाड़ और ये कर दिए हैं मैंने रिटर्न। तो आगे देखते रहिए, वो जुगाड़ भी मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट मैंने बालकनी में लगाए हैं ये शीर कर्टेन वाइट कलर के, जिनको मैं नायलॉन के धागे से, नायलॉन या प्लास्टिक का जो ये धागा आता है ना, सिंपली उससे बांध रही हूँ बस, क्योंकि मुझे इसे हल्का ही रखना है, भारी पर्दे नहीं हैं, बहुत हल्के से हैं तो इस धागे से भी अटक जाएंगे। क्योंकि आप हमारे सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, वहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमें कोजी और एक प्राइवेट कॉर्नर मिल जाएगा जब हम रात में बैठना चाहेंगे। तो
और सुबह हम चाहें तो इसको इस तरीके से नॉट कर लेंगे और प्लांट्स में धूप आती रहे उसके लिए भी हम इनको बंद कर देंगे या प्लांट्स के पीछे। और शीर कर्टेन से ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और ये देखिए, ये एसी का ना जो पाइप ये तार बाहर निकल रहा है, ये बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसमें मैंने टांग दिए ये फ्लावर्स। अब बारी है सिटिंग की, तो सिटिंग के लिए भी ये मैंने DIY ही मैट्रेस बनाया है। एक्चुअली हमारा मैट्रेस पुराना हो गया था जो कि हम फेंकने वाले थे, तो उसको मैंने 3x6 का एक सिंगल बेड का मैट्रेस होता है ना, उसको मैंने 3 पीस में कट करके एक दूसरे के ऊपर चिपका लिया। तो ये बन गया हमारा बालकनी की सिटिंग। तो है ना ये बढ़िया जुगाड़। तो ऐसे ही और भी जुगाड़ मैं आपको दिखाती रहूँगी, आप देखिए। ये था हमारा फर्स्ट जुगाड़। और यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे एक एक्चुअली बाथरूम की बाहर को विंडो खुलती है बालकनी में, जो बहुत ही मतलब अच्छी नहीं लगती है देखने। इसमें हम करेंगे सेकंड जुगाड़। तो इसमें मैं कर्टेन की जगह क्या लगा रही हूँ, मेरे पास एक डोर मैट पड़ा हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जो ना एक वॉल हैंगिंग की तरह भी लगता है और कर्टेन की तरह भी, तो वो मैंने लगा दिया है। अगर ये थोड़ा और चौड़ा होता तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता, बट एनीवेज है तो ये जुगाड़ और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ कुछ और सीटिंग्स। तो इस छोटी सी बालकनी में कम से कम 4-5 लोगों के बैठने के लिए आराम से हम सीटिंग अरेंज कर सकते हैं। और फेस्टिव सीज़न है तो अब हम दिवाली आने वाली है, दिवाली के हिसाब से इसको डेकोर करेंगे। लैंटर्न और सेंटेड कैंडल मैं लगा रही हूँ, और अगर आप ना मिरर वाली ट्रे के ऊपर इसको रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट ये छोटे छोटे निक नैक्स हम रख देंगे, जैसे रात में ताकि सूदिंग सा एक इफ़ेक्ट आए। तो एक और कैंडल होल्डर एंड दिस क्यूट वाटरिंग कैन। ये है मेरा नेक्स्ट जुगाड़। तो उन प्लांटर्स को वापस कराने के बाद मैंने अरेंज किए हैं ये प्लास्टिक के जो बाथरूम में मग्स यूज़ होते हैं ना, जग, ये वो हैं। और मैंने वो जो साइकिल वाले भैया आते हैं गलियों में प्लास्टिक का सामान बेचने के लिए, उनसे लिए हैं, वो भी सिर्फ 20 रुपये में। तो है ना ये बहुत ही बढ़िया जुगाड़ नंबर 3। तो अब है फाइनल रिवील। उससे पहले आप देख लीजिए पहले बालकनी कैसी लगती थी, ताकि कंपैरिजन में बहुत ही आसानी रहे। तो दिस इज द फाइनल रिवील। तो ये जो आयरन स्टैंड हमने बनवाया है बाहर ना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एज अ प्लांट लवर आप भी समझते होंगे कि जब हमें प्लांट से बहुत ही लगाव हो जाता है ना, तो धीरे धीरे वो लगाव बढ़ता ही जाता है। तो हम प्लांट्स एक भी कम नहीं कर सकते, वो बढ़ते ही जाते हैं। तो मैं प्लांट्स बिल्कुल कम नहीं करना चाहती थी, सारे मेरे पुराने प्लांट्स भी इसमें एडजस्ट हो गए, प्लस मैं कुछ और भी ऐड कर पाई, तो बिल्कुल मेरा एक छोटा सा जंगल टाइप बन गया। अभी मैं आगे दिखाऊंगी इसका नाइट का व्यू भी, कितना कोजी और खूबसूरत लगता है नाइट में भी। एंड दिस इज द नाइट व्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए, एंड नोटिफिकेशन में ऑल का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।